हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 1 जनवरी 2020। शुरू करने से पहले सबको ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश, आई होप दिस ईयर विल ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, फुलफिल हो जाएं। बट द कंडीशन इज कि आपको भी हार्डवर्क ऑनेस्टली करना पड़ेगा। अगर आप ऑनेस्टली हार्डवर्क करेंगे इस साल, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी डिज़ायर हैं, वो फुलफिल ज़रूर हो जाएंगे। ओके, आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं 1 जनवरी 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। PDF के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं फिर आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन है जी हमारा, हु हैज़ टेकन चार्ज एज अ न्यू आर्मी चीफ। आर्मी के 28वें चीफ बने जिन्होंने चार्ज ले लिया जी 1 जनवरी को। यह आपको बताना है कि इनका क्या नाम है। इनकी पिक्चर आपके सामने, आर्मी के वाइस चीफ थे, इनको प्रमोट कर दिया गया एज द आर्मी चीफ, बिकॉज इससे पहले जो आर्मी के चीफ थे 27th आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, वो रिटायर हो गए जी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने इज द न्यू आर्मी चीफ एंड ही इज 28th आर्मी चीफ। ये भी आपको जरूर याद रखना है। ओके, आर्मी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, वो किया जाता है जनवरी मंथ में ही किया जाएगा, 15 जनवरी को, वो भी आपको याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट डेज में 15 जनवरी का, 15 जनवरी में हम ऑब्जर्व करेंगे। आज भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है कि आप किसी को याद है। क्वेश्चन तो मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट स्टिल आई नो कि आई रिमेंबर, मैं कल इंक्लूड करूंगा। बट आज एक इंपॉर्टेंट डे है, किसी को याद है? ओके, जिस चीज़ को याद था ना, वो कमेंट करके मुझे बता दे। आज है जी हमारा DRDO डे, एस्टैब्लिशमेंट डे। DRDO का एस्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 1958 को हुआ था, याद है आप सबको। DRDO के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, एंड उसके जो चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी, वो आप याद रखेंगे। ओके, MM नरवाने इसका करेक्ट आंसर होगा। RKS भदौरिया एयरफोर्स के चीफ हैं, करमबीर सिंह हमारे नेवी के चीफ हैं, एंड बिपिन रावत ये हमारे फॉर्मर आर्मी के चीफ, जो 27वें आर्मी चीफ थे, 31st दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिपिन रावत के रिलेटेड ही आ गया। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द इंडियाज फर्स्ट CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो नामित हुए जी जनरल बिपिन रावत आर्मी के चीफ थे, नाउ ही विल बी द इंडियाज फर्स्ट CDS। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिक्चर आपके सामने, हमारे इंडिया के 27वें जो चीफ थे, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, जो बने हैं इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये आप याद रखिए। अजीत डोवाल, ये आपको पता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ आवर कंट्री। ओके, याद रखिएगा बिपिन रावत इसका करेक्ट आंसर, जो हमारी कंट्री के फर्स्ट CDS होंगे। ओके, देन हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। SS देशपाल गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, पूरी डिटेल पढ़ेंगे। SS देशपाल हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज टू हेड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। द यूनियन होम मिनिस्ट्री टुक दिस द डिसीजन एज अ CRPF सर्विंग डायरेक्टर जनरल RI भटनागर रिटायर्ड। ओके, ये भी रिटायर हो गए, जैसे जनरल बिपिन रावत रिटायर हो गए, ये भी 31 दिसंबर को जो CRPF के डायरेक्टर जनरल थे राजीव राय भटनागर रिटायर हो। ओके, सो SS देशपाल को एडिशनल चार्ज दिया गया। ही इज़ ऑल्सो सर्विंग एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो ताई विद इन बॉर्डर पुलिस, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, CRPF इज़ इंडियाज एज वेल एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स विद ओवर 3 लाख पर्सनल इन इट्स रैंक, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो आप नाम भी याद रखेंगे। SS देशवाल जो एडिशनल डायरेक्टर बने हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने हैं CRPF के, एंड जो रिटायर हो गए राजीव राय भटनागर 31 दिसंबर 2019 को, यानी कि लास्ट ईयर। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, पिक्चर आपके सामने है। देन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ PDF पूरे साल भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का, जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ के 2000+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स PDF में मिल जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, LIC का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपने करने। बट नाउ इन दिस PDF आई एम प्रोवाइडिंग यू फुल ईयर करंट अफेयर्स। ओके, पूरे 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको इस PDF में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, एक छोटा सा अमाउंट पे करना है आपको, जस्ट 69 रुपीज़ के छोटे से अमाउंट को पे करके आप पूरे साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को मैंने कंपाइल किया, जरूर इसे परचेज करें एंड इसका बेनिफिट उठाएं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 11 डे लॉन्ग दानू यात्रा,
बिगेंस इन विच इंडियन स्टेट. ओके, एक फेस्टिवल होता है लाइक एक जैसे एक ओपन थिएटर कहते हैं ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन थिएटर 11 दिन का हुआ. इसमें जो रामायण लाइक हमारे महाभारत कंस कृष्ण जी का लाइक इसमें रोल होगा, देन उसके बाद कंस के बारे में इसमें लाइक ओपन थिएटर रहेगा. ये 11 दिन का एक प्रोग्राम होता है, लाइक एक फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है, दानु जत्रा जिसका नाम है. ओके, तो अब आपको ये बताना है कि ये कौन सी इंडियन स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, इसमें बेसिकली होता क्या है कि एयर थर्टिकल परफॉर्मेंस होता है इसमें, लाइक इसमें लॉर्ड कृष्णा के बारे में एंड हिज डिमोन जो उनके मामा जाने जाते हैं कंस के बारे में, तो इस तरीके की प्रदर्शन वगैरह किए जाते हैं इस फेस्टिवल में दानु जत्रा. सो ये बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट में ऑब्जर्व सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है उड़ीसा में. ओके, अबाउट द स्टेट, उड़ीसा भुवनेश्वर जो कैपिटल है उड़ीसा की, सीएम है नवीन पटनायक एंड द गवर्नर ऑफ उड़ीसा इज गणेशी लाल. ये बेसिक डिटेल्स याद रखने. देखो एक उड़ीसा ने 45 न्यू हाई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी उद्घाटन किया था, लाइक उसको बनाने वाला है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर याद रखिएगा. ओके, करेक्ट आंसर इज उड़ीसा. देन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इंडियन फॉरेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 रिलीज. तो रिपोर्ट रिलीज की गई इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा. ओके, न्यू दिल्ली में इस रिपोर्ट का लाइक इसके बेसिक जो इसमें जो पैराग्राफ्स जो इसमें कवर किए गए हैं वो हैं जी, फॉरेस्ट एरिया कितना हमारे इंडिया का है, कार्बन स्टॉक कितना है हमारा, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग एंड फॉरेस्ट कवर इन डिफरेंट स्लोप्स एंड अल्टीट्यूड्स. ओके, तो ये पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या है, जो की हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट. ओके, सबसे पहले तो जो टोटल फॉरेस्ट कवर हमारे इंडिया का है वो है 80.73 मिलियन हेक्टर. ओके, ये फिगर आप जरूर याद रखेंगे, 80.73 मिलियन हेक्टर. ओके, इट इज़ अबाउट 24.56% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री. ओके, देखो आपको पता है कि ये जो 80.73 एक हेक्टर कितना होता है, क्या किसी को आइडिया है एक हेक्टर कितना होता है? ओके, एक हेक्टर होता है, देखो कई बार ना स्टूडेंट को ये बेसिक चीज़ नहीं पता होती है और वो उसको बस याद करते रहते हैं कि हेक्टर कितना होता है. ओके, एक हेक्टर होता है अप्रॉक्स 19.74 कैनाल. ओके, 19, अभी एक कनाल कितना होता है, एक कनाल, अब मरला तो आपको पता ना, एक मरले का प्लाट, लेकिन एक मरले के प्लाट में एक शॉप बन जाती है. अब एक एग्जांपल ले लो. ओके, 20 मरलाज होते हैं ना, उसका एक कनाल बनता है. ओके, 20 मरलाज का एक कनाल बनता है, तो एक हेक्टर हो गया जी, एक हेक्टर हो गया 20 कनाल का. ओके, 20 कनाल इज इक्वल टू अप्रॉक्स 1 हेक्टर. तो जो हमारे कंट्री का टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है जी अराउंड 80.73 मिलियन हेक्टर. ओके, तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल एक काफ़ी सिंप्लीफाइड में मैं बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा. ओके, तो ये आपको याद रखना है दैट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज़ इंक्रीज्ड बाय मोर देन 130 मिलियन हेक्टर इन द लास्ट 4 इयर्स. ओके, एरिया वाइज देखा जाए मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री. ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा एरिया वाइज देखा जाए मध्य प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है. ओके, बाकी डिटेल्स भी हम पढ़ेंगे. इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज पर द परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया. ओके, जियोग्राफिकल एरिया की बात के हिसाब से देखा जाए तो टॉप 5 स्टेट्स इसमें जो हैं जी, मिजोरम है विद द फॉरेस्ट कवर अराउंड 85.41%, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, फॉलोड बाय मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड. तो ये आप पॉइंट भी याद रखेंगे. इन कंपैरिजन विद इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 द इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड. ओके, इंक्रीज देखा गया इसमें 3976 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज दिया देखा गया एज डैट इन ट्री कवर और इज 12 स्क्वायर किलोमीटर. यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल बेटरमेंट ही हुआ है हमारे फॉरेस्ट कवर का एज कम्पेयर टू द प्रीवियस रिपोर्ट ऑफ 2017. ओके, अब जो 3 इंडियन स्टेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसने सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज दिखाया आपने, लाइक सबसे ज़्यादा वहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा लगाए गए, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए गए, फॉरेस्टेशन ज़्यादा हुई, वो रही जी कर्नाटका. ओके, डिटेल्स पूरी आपके सामने, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड केरल. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने. ओके, देखो कई बार मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर पीडीएफ लाओ, पीडीएफ नॉट एमसीक्यू फॉर्मेट में लाओ. देखो अगर मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में लाऊंगा तो मैं क्या आपको ये चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगा? नेवर. ओके, सो कुछ चीज़ें जिस तरीके के मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ समझने की कोशिश करो, इसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है. चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन दिस फॉर्मेट. ओके,
देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहली एंड बुमराह नेम्ड इन विजडम T20 टीम ऑफ द डिकेड. ओके, इंडियन स्कीपर विराट कोहली एंड पेस बॉलर हमारे जसप्रीत बुमराह, जो इंडिया के नॉट इंडिया के वर्ल्ड के नंबर वन फास्ट बॉलर वर अमंग द इंडियंस, टू इंडियंस इन द विजडम T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड. ओके, ऑस्ट्रेलिया लिमिट अवर स्कीपर एरॉन फिंच वॉज नेम्ड एज अ कैप्टन ऑफ विजडम T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर. पूरी टीम की डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी. वेल, यहाँ पे कुछ प्लेयर्स के नाम आपको पिक्चर के बैकग्राउंड में आ रहे हैं, बट इन द PDF आपको सारे पूरी कैप्टन मिल जाएंगे. एरॉन फिंच कैप्टन है. ओके, कॉलिन मुनरो, विराट कोहली, शेन वॉटसन.